कि आप जो किस क्वालिटी का पाद पाते हो, ये पूछना है आपको? हाँ, मतलब आप किस क्वालिटी का पाद पाते हो, तो मैं ऑप्शन दे, तुम वो बता दी, बस तुम किस क्वालिटी का पाद हो आप, मतलब भोंपू पाद पाते हो तो भोंप करके आता है जो पटाक देना निकल जाता है, ठीक है ना, ऐसे सबको पता चल जाता है, आसपास के जो लोग हैं ना वो भी आ रहा है क्या कर दिया सत्यानाश हो इसका, ऐसे मुंह कपड़े हिलाए और ऐसे चल देते हैं। कहाँ है वो? क्या हो गया? अच्छा लगेगा। हाय हाय, क्या नाम है आपका? आरती। आरती, अरे बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू। क्या यहाँ से क्यों बैठे हो? वो चेयर खाली, आप वहाँ से क्यों बैठ सकते हो? वहाँ पे? हाँ, पर वहाँ पे तुम नहीं बैठे थे ना मुझे तो यहाँ पे बैठना था तुम्हारे साथ। प्लीज। क्या प्लीज? आप बोलो, आपको क्या काम है? काम कुछ नहीं, बस बात करने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो भाई? मैं मतलब वो पे अब रहना जा रहा हूँ, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। क्या पूछो? पहले मैं ये सोचता हूँ, जैसे आपकी तरह खूबसूरत लड़कियाँ जो ऐसे क्या खतरनाक कांड करती होंगी? जैसे ना बता रहा हूँ मैं, अब ना जमाना बदल गया है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा, वही तो मैं पूछ बता रहा हूँ, तो मैं समझ ना आ रहा हूँ। अब जमानो बदल को मैं पूछना, पहले जवाब पूछना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप जो किस क्वालिटी का पाद पाते हो, ये पूछना है आपको? हाँ, मतलब आप किस क्वालिटी का पाद पाते हो? ये कोई पूछने वाली बात होती है? मतलब चलते किसी भी पब्लिक में किसी से भी आप कुछ अलग से पूछ सकते थे, ये क्या पूछने की बात होगी? ये पूछना जरूरी है, तभी तो मैं पूछ पे आया हूँ तुमसे। क्या जरूरी है इससे पूछना? है बहुत जरूरी है मैडम, अभी की बात है, मुश्किल तो 10 मिनट में ही जा बात है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। मैं बताऊंगा तुम्हें, पहले मुझे ये बता दो तुम किस क्वालिटी दो, क्वालिटी क्या है? ये चलो मैं इसमें क्वालिटी क्या करना है? अच्छा नेचुरल है, चलो मैं ऑप्शन दे दूँ तुम वो बता दी, बस तुम किस क्वालिटी को पालो, फिर मुझे कलेजा ठंडक मिल जाए, बड़ी बड़ी टेंशन सी में आएगा मैडम तुम्हारी जोन दे। मैंने और बात पहले बाद में करूँगा, पहले जा टेंशन खत्म करूँ। हाँ, क्या टेंशन? टेंशन पहले मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, वो बताओ। देखो ऑप्शन नंबर एक, पहले तो आप मतलब भोंपू पाद पाते हो, भोंप करके आता है जो पटाख देना निकल जाता है, ठीक है ना, ऐसे सबको पता चल जाता है, आसपास के जो लोग हैं ना वो भी आ रहा है क्या कर दिया सत्यानाश हो इसका, ऐसे मुंह कपड़े हिलाए और ऐसे चल देते हैं, ठीक है। एक तो होगा भोंपू क्या हो गया? अरे रे दादा, हवा करूं और दूसरों मैडम। हाँ। दूसरों सुन लो। हाँ, बोलो। दूसरों सुरमुली। ऐसे करके नहीं आता है, पूरी तरह से जो निकलता है ऐसे दबा के, ऐसे फिर इधर उधर देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, मैंने हल्की आवाज वाला, क्या बात है, तो हल्की आवाज वाला ये तो तो ये होता है हल्की आवाज वाला। अब तीसरा आता है पड़पड़िया, यार पड़ करके जाते धड़े 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 चाहते, जैसे ना किसी ने शटर सा गिरा दिया हो, इधर सब सब पता पहले बात तो सुन लो, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, तुम बताओ ना कहाँ सोच रहे, जैसे ना शटर गिरा दिया दुकान का, ऐसे आता खटर खटर कर गए थे अंदर से, ठीक है। और मैडम अब तीन हो गए ना, सबसे खतरनाक है। हाँ। बहुत खतरनाक है, इनसे भी खतरनाक है। हाँ, ये तो इतना खतरनाक है बस पूछो ही मत। ये है, इसका नाम हमने जो दिया है ना, इसे दिया प्राण घातक। प्राण घातक। हाँ। नाम ही ऐसा है इसका, तो इंसान को मतलब ये जीवन को नरक बना दे ऐसा ये तो। ऐसा क्या ये होता है इसकी, न तो हल्ला उल्ला न कोई शोर होता है, न इसकी कोई आवाज होती है, जैसे कि इधर बैठे हुए तुमने कर दिया प्राण घातक प्यार, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बाद में पता चल रहा है कि हाँ किसी ने प्राण घातक प्यार किया है। लेकिन आप मुझे इन सब चीज का एक बताओ कि आप ये मेरे से पूछने आए क्यों? हाँ, ये बात तुमने काम किया, अभी अभी काबो में मां दे आ रहा हूं। और ये कौन सा वहां से आया हूं, 10 मिनट वही है, यहाँ से आयो? ठीक है, मैं यहाँ से आया हूँ, 10 मिनट की बात है, वहाँ 2 कपल बैठे हुए। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने बहुत जोर जोर झगड़ा आ रहा हूँ, मैंने क्या बात है, मैंने दूर से देख रहा हूँ, मैं पास हो तो पाद की बात चल रही, तुम ऐसा पाद पाते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम सत्यानाश मार दिया, पूरे घर को नरक बना दिया, जीवन का नाश कर दिया, तो
घर तक कैसे बात पहुंच गई आप ये बताओ ना। घर तक क्या, वो हस्बैंड वाइफ थे ठीक है। अब मैंने कि यार तो प्यार की समस्या तो बाद की बात है, मैंने ये समस्या पहले। अच्छा तो मतलब आप ये मेरे से पूछते हैं क्यों? तो वो दोनों कपल ना आपस में लड़ मरे जाए बात के पीछे कि तुम बोलते ना कि तुम देखो सर्दियां आ गई, वो लड़की वो कह रही ना कि सर्दियां आ गई और सर्दियों में ना तुम क्या करते हो, रजाई के अंदर तुम पात पात देते हो, तुम रोमांस भरे माहौल को टट्टी खाने जैसा बना देते हो। एक चीज बता दो, वो दोनों लड़ रहे आप साथ में बैठ के सुन रहे थे? हाँ। तो उन लोगों ने आपको कुछ बोला नहीं? मतलब मैं दूर से सुन रहा था। इतनी देर लड़ रहे थे? हाँ। तो आप वो सीधा सुन के यहाँ क्यों आए? हम मतलब मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ। मैं इसलिए आया हूँ मुझे तुम अच्छे लगे, देखते ही प्यार हो गया। मैंने प्यार की बात बाद में। एक सेकंड में किसको प्यार होता है? मुझे हो गया ना लव एट फर्स्ट साइट। तो मैं नहीं, ऐसा अगर हो भी गया तो आप ये बताओ ना कि आप सीधा लड़की से ऐसे बोल दोगे कि आप कौन से टाइप का पाद मारते हो? हाँ पूछना जरूरी है ना। फिर बाद में रोमांस भरा माहौल रजाई का टट्टी खाने जैसा हो जाए, उसका क्या फायदा? अगर इनकेस फ्यूचर में आ भी गया तो उसे कोई रोक सकता है? तो ठीक है ना, पूछ तो लूं क्वालिटी कौन सी है, ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, ऊपर नीचे चल जाएगा, हो जाएगा। देखो सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं कोई क्वालिटी का नहीं मारती, बेफिक्र। मुझे ये तो बता दो, देखो अब तुम किस क्वालिटी का बात हो भैया? प्लीज मेरा देखो देखो एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम भोंपू वाली निकली ना भोंपू करे तुम वो कोई दिक्कत ना, मैं चलो चल जाएगी मैडम ठीक है ना। पर अगर आप प्राण घातक प्यार करने वाले लगे ना, यानी कि करे कोई भरे कोई और सूंघे कोई मरे कोई, कोई सुन रहा होगा ना यहाँ पे, तो वो ही कपल वाला हाल यहाँ मत करो प्लीज, जो वहाँ से सुन के आए ना वो यहाँ पे क्रिएट मत करो। यहाँ नहीं करो तो मैडम वही वहाँ ले जाओ। मैं कोई ऐसा नहीं करती भैया, ये बहुत ही क्या बोल रहे हो यार, ये नेचुरल है, ये पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो नहीं करता होगा। और आप ऐसे तो कैटेगरी भी तो होंगी इसकी, क्वालिटी मतलब क्वालिटी नहीं मतलब ऑप्शन दिया मैंने, चार ऑप्शन दे रहे हैं क्या मतलब? सब अपना अब अलग तरीका दे करते हैं, बहुत से ऐसे होता है बर्गर खाना है बोला बर्गर नहीं, मतलब लाइक जो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ बर्गर चाउमीन खावे वाली लड़की और प्राण घातक प्रहार कर सकते हैं मैडम ठीक है ना। आप नहीं खाते बर्गर चाउमीन? खाते हैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो भोंपू आ रहा हूँ, तुम बताए तुम कौन सा प्राण घात निकली, तो मैडम देखो हमारी तुम्हारी कुट्टा है जाइए आते हो हम चले जाएंगे तुम्हें छोड़ के ठीक है ना। अगर तुम भोंपू भाई निकली तो हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हाय नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी तो बता दो, क्वालिटी मेरे एकदम सिस्टम सही है, कोई ऐसा नहीं। आप हैं तो कौन सा पड़पड़िया या सुरमुली? किसी और से जाके पूछ लो आप प्लीज, यहाँ मत पूछो। चलो ठीक है, वैसे मैडम जहाँ मार पूछी पे आया, मैंने क्यों ऐसा सुनोगे, रजाई को माहौल खराब है जा, बड़ी ठंड पड़ रही है और उसमें प्राण घात प्यार कर दो, मैं तो सूंघ सूंघ के डिप्रेशन में आ जाऊंगा, एंड में सारो एक दिन अब आओ सुसाइड कर लूंगा। वैसे लोग हाँ सुसाइड कौन करता है? इंसान के धीरे धीरे परेशान होता है, परेशान होने के डिप्रेशन में आता है, डिप्रेशन के बाद क्या है, वैसे भी 9 करोड़ 90 लाख लोग डिप्रेशन में आज के टाइम में ठीक है, तो उसके बाद सुसाइड कर लेता है, एंड ऑफ द डे क्या एक लाइफ खत्म हो जाती। तो पहले प्यार की बात मैंने इसमें की, मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। ज्यादा बहुत ज्यादा सोच गए, इतना नहीं है, आप जा सकते हो और ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को प्लीज यू कैन गो। चलिए कोई नहीं, क्या नाम है आपका? आरती। आरती बड़ा प्यारा नाम है, मेरा नाम सोमेश है ठीक है। सोमेश याद रहेगा मुझे जिंदगी भर, सोमेश नाम के लड़के ने हमेशा याद रखना। जिंदगी में पहली बार किसी किसी लड़के से मिले, अच्छे लड़के से मिले, ये सोचो कि ऐसा पूछा उसने। अच्छा ये सब पूछा मुझे जब, अच्छा हाँ। आपकी बहुत बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मैं आपको हाँ। एक बात बताऊं, इसलिए मेरा ना यूट्यूब पर चैनल है। अच्छा इसलिए मैं आपसे ये सब पूछने के लिए आया था। छोटा सा मजाक कर रहे थे, वो बंदा बैठा हुआ है ना, वो अच्छा वो कैमरा लेके बैठा हुआ उधर, तो बस मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू वैसे कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत फनी, मेरा दिन बना दिया। चलो थैंक यू, एक बार ऐसे और करो अच्छा लगता है। हाय करो फिर से। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लाता रहेगा ऐसी मज़ेदार वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और मैडम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ आगे क्या, और अपनी क्वालिटी बता देना कौन सी क्वालिटी है। Okay. चार कैटेगरी बोली है मैंने, चार ऑप्शन दिए, जैसी भी है कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको क्या मैसेज देती है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि भाई किसी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर डिप्रेशन में नहीं आना है और सुसाइड नहीं करनी है। सुसाइड मतलब इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये मतलब स्टॉप सुसाइड का एक मैसेज है ठीक है, और इसका तरीका थोड़ा अलग है मेरा करने का।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री कृष्णा।